महाराज सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले उस विदेशी आक्रांता को धूल चटा करके, उस नराधम पिशाच को जिसने सोमनाथ के मंदिर को पवित्र किया था, उसको रसातल पर पहुंचा करके भारत की रक्षा करने का काम किया था, और उनका भव्य स्मारक बनना यहां पर बहराइच में ही हम लोगों ने बना दिया है। मैं इसके लिए प्रयागपुर के महाराज का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जमीन देंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर अगर स्मारक बनता है। मैं पूछना पा जाता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे क्या? ये लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। यही भय है ना? और जब यही भय है तो भैया ठीक है, तुम वहीं का ले लो, वहीं जाओ ना, फिर क्यों हमारे पास आ रहे हो? ये तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और अब आपके प्रॉपर्टी पर भी इनका नजर लगी हुई है।